दोस्तों, छात्र नेता दिलीप जी का सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से आप देखिए, जो बीपीएससी टीआरई थर्ड एग्जाम को लेकर क्या बता रहे हैं। जो धांधली सेटिंग इस बार बीपीएससी टीआरई थर्ड में होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो धांधली सेटिंग बीपीएससी टीआरई थर्ड में हुआ था और सभी सोल्वर गैंग से लेकर सभी स्टूडेंट को बीपीएससी फिर से दोबारा मौका दे रहे हैं एग्जाम देने के लिए, क्या इस बार धांधली होगा या नहीं होगा, दिलीप जी क्या इस पर बोल रहे हैं। सबसे पहले दिलीप जी का इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग के मामले में 270 लोग जो हजारीबाग से गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, कुछ और लोग जो अन्य अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, बीपीएससी ने अभी तक उन सभी लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया है। आखिर बीपीएससी ऐसा क्यों कर रही है? जब ये लोग धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, इनको जेल भेजा गया, इसके बावजूद भी बीपीएससी प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रही इन लोगों को? जबकि पिछले साल कुछ अन्य परीक्षाओं में कदाचार में संलिप्त पाए गए कुछ लोगों को बीपीएससी ने 2 साल 3 साल 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया था। यहां तक कि टीआरई 1 के समय जब कुछ अभ्यर्थी मीडिया में अपनी बातों को रख रहे थे और बीपीएससी पे धांधली सेटिंग का आरोप लगा रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे, तो 582 अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने प्रतिबंधित कर दिया था जबकि वो मीडिया में अपनी बात रख रहे थे। लेकिन यहां जब पेपर लीक में संलिप्त पाए गए हैं और पटना पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार करके जेल तक भेज दिया, इसके बावजूद भी बीपीएससी ने अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? क्या टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा होगी तो ये जो लोग 270 और अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए पेपर लीक के मामले में, ये लोग जब पुनर्परीक्षा देंगे तो क्या ये लोग फिर से उसमें सेटिंग नहीं करेंगे, फिर से ये पेपर लीक नहीं करवाएंगे? अगर इनको पेपर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, तो कोई और तरीका अपनाएंगे, सेंटर मैनेज करेंगे या फिर बाद में ओएमआर सीट रंगवाएंगे, किसी न किसी तरह से ये लोग धांधली सेटिंग करेंगे ही। आखिर बीपीएससी लोगों को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रही है? बीपीएससी अगर प्रतिबंधित नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि इस पेपर लीक में बीपीएससी भी संलिप्त है और बीपीएससी को इन लोगों ने पैसा पहुंचाया होगा, बीपीएससी के अधिकारियों को पैसा पहुंचाया होगा इन लोगों ने, तभी तो बीपीएससी इन लोगों को प्रतिबंधित नहीं कर रही है। आखिर जब तक इन लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा जो पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, तो फिर पुनर्परीक्षा कैसे सही से होगी? कैसे मान ले कि पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा होगी? नहीं माना जा सकता। जब तक कदाचार में, पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों को जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं, उन लोगों को बीपीएससी प्रतिबंधित नहीं करती है, तब तक टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नहीं हो सकती। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं बीपीएससी से कि जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक, धांधली सेटिंग या कदाचार के किसी अन्य मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए, उन सभी को बीपीएससी अविलंब प्रतिबंधित करे, अन्यथा यही माना जाएगा कि बीपीएससी भी इस पेपर लीक कांड में संलिप्त है और इन लोगों को संरक्षण दे रही है और इन लोगों से बीपीएससी ने पैसा लिया है, बीपीएससी के अधिकारियों ने पैसा लिया है और इसीलिए बीपीएससी के ऊपर शिक्षा माफियाओं का दबाव है, इन जो लोग पकड़े गए पेपर लीक में उन लोगों का दबाव है और इसीलिए बीपीएससी लोगों को प्रतिबंधित नहीं कर रही। दोस्तों, छात्र नेता दिलीप जी का वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई थर्ड एग्जाम को लेकर दिलीप जी क्या बोले हैं और आप लोगों को क्या राय है, क्या दिलीप जी सही मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोग की क्या मांग है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। क्योंकि बीपीएससी इस बार टीआरई थर्ड में जो धांधली सेटिंग हुआ पेपर लीक में, जितना भी स्टूडेंट संलिप्त है सभी को फिर से दोबारा एग्जाम देने के लिए मौका दिए हैं। क्या इस बार आपको लगता है धांधली सेटिंग नहीं होगी? क्या इस बार लगता है बीपीएससी टीआरई थर्ड साफ सुथरा एग्जाम होगा? आप लोग को क्या कहना है? दिलीप जी जो मांग रहे हैं, इनका मांग सही है या नहीं है, आप लोग अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इस वीडियो में हम जो भी बताना चाह रहे थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही बीपीएससी टीआरई थर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।